दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हम अप्रैल 2023 की जीएसटी रिटर्न को टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे और सबसे पहले हमें कौन सी रिटर्न है जो तैयार करनी पड़ेगी। जीएसटीआर 1 पहले हमें तैयार करनी है या जीएसटीआर 3 बी को पहले तैयार करनी है, कौन सी रिटर्न हमें सबसे पहले ऑनलाइन अपलोड करनी होती है और किस प्रकार से हम टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में से एक्सेल के अंदर जीएसटीआर 1 को और जीएसटीआर 3 बी की रिटर्न को हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ प्रैक्टिकल शेयर करने वाले हैं। अगर आपके पास किसी टाइप की कोई एरर आती है तो उस एरर का आप सॉल्यूशन किस प्रकार से करोगे वो भी हम इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली तरीके से बताने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर उन अकाउंटेंट लोगों के लिए जिन्होंने अप्रैल 2023 में फर्स्ट टाइम अकाउंट जॉब की शुरुआत करी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड और इनकम टैक्स से रिलेटेड नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं भी हमें ऑनलाइन पोर्टल पर गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट करनी होगी जीएसटी डाटा की, वो जीएसटीआर 1 में पहले करनी होगी या फिर जीएसटीआर 3 बी में पहले करनी होगी। तो दोस्तों अगर आपको इस बात का पता नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इसको अच्छी तरीके से चेक कर सकते हो जीएसटी की वेबसाइट पे जाके। जैसे हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा भी अपकमिंग जो ड्यू डेट है वो कौन सी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो अप्रैल की 2023 की जो जीएसटीआर 3 बी की जो हमें रिपोर्ट करनी है उसकी ड्यू डेट है मई 20, यानी कि 20 मई तक हमें अपलोड करनी पड़ेगी जीएसटीआर 3 बी को। और जीएसटीआर 1 की अगर हम बात करें अप्रैल 2023 की तो उसकी लास्ट डेट है 11 मई की। तो कहने का मतलब ये हो गया भी हम सबसे पहले जीएसटीआर 1 को हमें तैयार करना पड़ेगा और उसके बाद में जीएसटीआर 3 बी को तैयार करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे हम इस पे जाएंगे तो यहां पर आपके पास एक मैसेज आएगा भी टर्नओवर एक्सीडिंग 5 करोड़, यानी कि अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा की है तो आपको जीएसटीआर 3 बी है वो मंथली फाइल करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आपकी कंपनी की जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा की है तो आपको जीएसटीआर 1 भी मंथली फाइल करनी पड़ेगी, यानी कि अप्रैल मंथ की जो डाटा है वो आपको मई में देना पड़ेगा, मई वाला डाटा आपको जून में देना पड़ेगा हर मंथ वाइज। तो इसी तरीके से जीएसटीआर 3 बी और जीएसटीआर 1 है वो हमारी क्वार्टरली भी होती है। जैसे जीएसटीआर 1 है जैसे अप्रैल टू जून, यानी कि 3 महीनों का जो डाटा है वो हमें 13 जुलाई तक का देना पड़ेगा। ये किस कंडीशन में, अगर आपकी कंपनी की जो टर्नओवर है वो अगर 5 करोड़ से कम है तो हम उसको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। तो अब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सबसे पहले हमें जीएसटीआर 1 को फाइल करना पड़ेगा अप्रैल 2023 को और उसकी ड्यू डेट है 1 मई से लेके 11 मई तक। अब हम चलते हैं टेली सॉफ्टवेयर पे। तो टेली सॉफ्टवेयर में हम जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 को किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जीएसटी रिपोर्ट को देखने के लिए डिस्प्ले पर जाएंगे, उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट्स पर जाएंगे और उसके बाद में जीएसटी रिपोर्ट के अंदर हमारे पास कुछ डाटा आएगा जिसमें जीएसटीआर 1, 2 और 3 बी। तो हमें सबसे पहले 1 तैयार करेंगे, उसके बाद में 3 बी तैयार करेंगे। अब जो जीएसटीआर 2 है वो हमारा ऑटोमेटिक है जो प्रिपेयर हो जाता है। तो 1 पर हम चलेंगे, सबसे पहले हम डेट यहाँ पर देंगे 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, क्योंकि हम अप्रैल मंथ का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर अप्रैल का मंथ का जो डाटा हमने दे दिया तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है भी जो यहाँ पर हमारी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स है वो आपकी जीरो रहनी चाहिए, जैसा कि मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी ये जीरो आ रही है। तो अगर आपके पास यहाँ पर 1, 2, 3 कुछ भी डाटा है तो इसका मतलब आपकी जीएसटीआर 1 रिपोर्ट है जो सही तैयार हो नहीं रही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है। अब वो एरर क्या है, जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वो एरर की लिस्ट दे देगा भी आपकी एरर किस वजह से आ रही है। आपने कोई लेजर गलत मतलब क्रिएट किया है या फिर आपके टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो गलत हो रही है या फिर आपने कुछ ऐसे लेजर हैं जिसके ऊपर आपने जीएसटी को एक्टिवेट कर रखा है बट उसके ऊपर कोई जीएसटी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो कुछ इस तरीके की एरर आपके पास आ सकती है। या आपने कोई किसी आपका जो कस्टमर है उसका जीएसटी नंबर दिया नहीं होगा या फिर आपने गलत दे रखा होगा, यानी कि कुछ भी एरर हो सकती है। तो जीएसटी रिपोर्ट को प्रिपेयर करने से पहले आपको ये देख लेना है भी ये एरर आपकी जीरो होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं भी हमारी टोटल टर्नओवर किस तरीके से देखनी है।
तो दोस्तों इसके अंदर कुछ इस तरीके से पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जीएसटीआर 1 के अंदर। जो सबसे पहला हमारा आता है B2B का, यानी कि आपने रजिस्टर्ड पर्सन को कितने अमाउंट का जो सेल किया है, कितने आपने वाउचर है जो इश्यू किए हुए हैं, यानी कि सेल इनवॉइस आपने इश्यू किए हुए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो वाउचर काउंट है जो 2 आ रहा है। अगर हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो हमारे पास दो ऐसी पार्टी है जिसको हमने सेल इनवॉइस इश्यू किया हुआ है और उन्हीं दोनों के पास में जीएसटी नंबर भी है। तो एक हमारा आउट ऑफ स्टेट का है जिसके ऊपर हमने IGST चार्ज किया है और एक हमारा लोकल यानी कि राजस्थान का है जिसके ऊपर हमने CGST और SGST चार्ज किया हुआ है। इसके अलावा आपका थर्ड पॉइंट है B2C का, यानी कि अगर बिजनेस टू कस्टमर का, तो यहां पर हमने टोटल 3 सेल इनवॉइस इशू किए हैं और इसकी वैल्यू ये है। तो इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो यहां पर किसी उस कस्टमर का नाम नहीं आएगा, बट आपको ये चीज दिखाएगा भी टोटल टैक्सेबल सेल कितनी है और उसके अंदर 5% की, 12% की, 18% की या टैक्स फ्री की सेल आपने कितनी कर रखी है, कितनी तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू है और कितनी वहां पर आके उसकी टैक्स की अमाउंट है। तो इसी तरीके से अगर आपने कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इश्यू कर रखे हैं रजिस्टर्ड पार्टी को, तो वो भी आपको इस 4 नंबर पॉइंट में यहां पर दिखाई देगा। अगर आपकी कोई एग्जम्प्ट सेल यानी कि टैक्स फ्री की सेल है तो वो भी आपको यहां पर दिखाई देगी। अब ये तो थी आपकी टोटल सेल यानी कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड को दोनों को मिला के, तो टोटल सेल आपकी आ रही है 8901 रुपए की, यानी कि ये टैक्सेबल सेल है। उसके बाद हम देखेंगे यहां पर HSN समरी का डाटा, भी HSN समरी के अंदर ही हमारी टोटल सेल इतनी आ रही है या नहीं आ रही। यहां पर HSN समरी पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको HSN वाइज आपका सेल है जो शो करेगा, उस प्रोडक्ट का HSN कोड, उस आइटम का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद में जो UKC आपने सेल करी है, किस क्वांटिटी में, टोटल क्वांटिटी, टैक्स रेट, कुछ इस तरीके से डाटा आ जाएगा। अगर हम टोटल की बात करें तो यहां पर भी 8901 रुपए की टैक्सेबल अमाउंट है जो आ रही है। तो इसका मतलब हमारा सेल का डाटा और HSN सेल वाइज टोटल डाटा हमारा मैच हो रहा है। डॉक्यूमेंट समरी पर हम इंटरप्रेस करेंगे तो यहां पर टोटल हमने जो इतने भी सेल इनवॉइस इशू किए हैं उसकी डिटेल आ जाएगी, जैसे कि हमने 01 से लेके 05 तक हमने सेल इनवॉइस के सीरीज किए, यानी कि टोटल 5 काउंट है, कैंसिल हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, नेट इशूड हमारे 5 आ जाएगी। तो अब ये तो थी हमारी GSTR 1। अब इसी GSTR 1 को हम GSTR 3 भी के साथ भी एक बार मैच करके देख लेते हैं। GSTR 3 भी हम जाएंगे F2 से 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का डेट हम सिलेक्ट करेंगे, Alt F1 के साथ इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो टैक्सेबल सेल वो यहाँ पर भी 8901 रुपए की आ रही है, यानी कि अब हम कह सकते हैं हमारी GSTR 1 की सेल और GSTR 3 की सेल वो बिल्कुल आपस के अंदर टैली हो रही है। अब इस सेल को हम एक बार हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी जरूर मैच करेंगे। इसके लिए फाइनल अकाउंट पर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाएंगे, यहाँ से हम 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का टाइम पीरियड देंगे। तो यहां पर भी आप देख सकते हो भी जितनी हमारी टोटल सेल है वो 8901 रुपए की आ रही है, यानी कि हमने 3 एंगल से आपस में डाटा को मैच कर लिया, सेल अमाउंट हमारी बिल्कुल एक्चुअल में टैली हो रही है। तो इसका मतलब हमारा रिपोर्ट बिल्कुल सही जा रहा है। अब हम बात करेंगे भी हम टैली सॉफ्टवेयर में से GSTR 1 को एक्सेल में एक्सपोर्ट किस तरीके से करेंगे। तो एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए डिस्प्ले पर हम जाएंगे, टैली रिपोर्ट, सबसे पहले GSTR 1 को ओपन कर देंगे। टाइम पीरियड आप जरूर देख लेना, ये आपका गलत ना हो जाए। तो उसके लिए बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर ऊपर एक्सपोर्ट में। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसमें एक्सपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ई रिटर्न कुछ यहाँ पे करंट दो ऑप्शन आ जाएंगे। तो अगर आपको करना है ई रिटर्न पे, अगर हमें पूरी की पूरी GSTR 1 की जो रिपोर्ट है एक्सेल में एक्सपोर्ट करनी है तो ई रिटर्न पर हमें क्लिक करना है, कंट्रोल ई नहीं करना। ई रिटर्न पर हम जाएंगे तो जैसे हम ई रिटर्न पर हम जाएंगे यहां पर, तो हमारे सामने यहां पर कुछ इस तरीके से डाटा आ जाएगा। अब हमें एक्सेल फाइल तैयार करनी है तो यहां पर फॉर्मेट में हम इसको एक्सेल सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आपका जो फोल्डर पाथ है यानी कि आपकी जो एक्सेल फाइल है वो कौन से पाथ पर यानी कि कौन सी लोकेशन पर आपकी एक्सपोर्ट होने वाली है, तो ये यहां पर आपका डिटेल आ रहा है, यानी कि ज्यादातर वही होता है जहां पर आपकी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर जहां पर इसका सेटअप इंस्टॉल आपने किया होता है। और उसके बाद में एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद में यहां पर फाइल नेम, तो ये जो फाइल नेम है ये फाइल नेम आपकी ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे, एक्सपोर्ट HS समरी को हम यस करेंगे, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी को भी हम यस करेंगे और अलाउ एक्सपोर्ट ऑल वाउचर करेंगे और इसको हम
सेंड पर क्लिक कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हो जीएसटीआर 1 का डाटा आई एक्सपोर्ट हो रहा है एक्सेल में। तो कुछ सेकंड का टाइम यहां पर हमारे पास लगेगा, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा एक्सेल फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो अब यहां से हम इसको डाटा को शुरुआत में हम देख सकते हैं, यहां पर आपके पास नीचे शीट्स है वो कंप्लीट हो चुकी है, B2B, B2C, B2CS, कुछ क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इस तरीके से। तो हम B2B पे हम जाएंगे और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आपकी वो उन्हीं सभी कंपनी की रजिस्टर्ड पार्टियों की डाटा यहां पर आपका पास आ जाएगा, उसका जीएसटी नंबर, उसके बाद में यहां पर इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस की टोटल वैल्यू और ये आपने पहले सब सप्लाई कहां पर आपने सप्लाई किया गुड्स को, उसके बाद में टैक्स रेट, उसके बाद में टैक्सेबल वैल्यू। तो इस तरीके से आपका डाटा आ जाएगा। उसके बाद में B2CS का जो हमारी अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल है उसका रिकॉर्ड 5% कितना है, 12 का कितना है, 18 का कितना है, और उसके बाद में एचएसएन समरी का भी रिकॉर्ड और इसके साथ में डॉक्यूमेंट समरी। तो ये हमारी एक्सेल फाइल है जो तैयार हो चुकी है। अब इस एक्सेल फाइल को आप जो भी आपके टैक्स प्रोफेशनल एडवोकेट है या CA है उसको आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, ताकि वो आपकी अप्रैल महीने की रिटर्न है वो उनको अपलोड कर सके। और इसी तरीके से हम GSTR 3B को भी एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं। 3B पर हम जाएंगे, 1/4 से 30/4 का डेट पे हमने सेलेक्ट कर लिया, एक्सपोर्ट पर जाएंगे, ई रिटर्न पर हम क्लिक करेंगे और ई रिटर्न पे क्लिक करने के बाद में आपका जहां पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वहां पर ऑटोमेटिक इस GSTR 3B की यूटिलिटी के अंदर चला जाएगा। आपके पास ये यूटिलिटी जरूर होनी चाहिए, अगर आपके पास यूटिलिटी नहीं है तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड पर हम जाएंगे, उसके बाद ऑफलाइन टूल पर हम जाएंगे, उसके बाद आपको सारी यहां पर GSTR 3B की ऑफलाइन यूटिलिटी मिल जाएगी, यहां से आप डाउनलोड करोगे। अगर आपके पास यूटिलिटी अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखी है तो आपकी टेली सॉफ्टवेयर में से GSTR 3B सही तरीके से एक्सपोर्ट है जो नहीं हो पाएगी। और मैं इसको सेंड करता हूं तो यहां पर GSTR 3 यानी कि 3B के अंदर ये एक्सेल में एक्सपोर्ट हो रही है GSTR 3B के नाम से और एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। एक्सेल फाइल ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने ये डेटा आ जाएगा, यहां पर आपकी टोटल सेल, टैक्सेबल सेल आपकी कितनी है, यहां से भी इसको एक बार आप जरूर टैली कर लेना, 8901 रुपए की आ रही है, इतना आपका IGST टैक्स है, इतना CGST टैक्स है और इतना SGST टैक्स है। तो इसी तरीके से आपका यहां पर टोटल ITC आपने कितना क्लेम किया हुआ है, ITC की डिटेल भी आपको यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद के अंदर यहां पर आपको करना क्या होगा, डेटा को वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट करने के लिए आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे, क्लियर ऑल वैलिडेट और जनरेट फाइल। तो यहां पर आप जैसे वैलिडेट क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपकी जो वैलिडेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और अब आप इस एक्सेल फाइल को सेव करके अपने CA को या टैक्स प्रोफेशनल एडवोकेट को आप इजीली सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बीमा अप्रैल 2023 की जो GST रिपोर्ट्स हैं GSTR 1 और 3B टेली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से हम प्रिपेयर करेंगे और किस प्रकार से एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे। वीडियो नॉलेजेबल लगी तो जरूर लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना।